छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। पूजन अर्चन के पश्चात कार्यक्रम में उन्होंने शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा, साहस शौर्य के अद्वितीय प्रतिमान आत्मविश्वास और शौर्य के पर्याय साथी एक ही कुशल रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। साथ ही पूर्व सीएम ने बीते 2020 में अमरीका में आयोजित शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में भाग लेने के दौरान हुए क्षणों को साझा किया। ये तो जैसे सूरज को दीपक दिखाई देता, लेकिन अच्छा ये लगता है कि हजारों मील दूर अमेरिका में न्यूयॉर्क में आप शिवाजी जयंती मना रहे हैं। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात दूसरी, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ और महाराष्ट्र से भी लगा हुआ हमारा प्रदेश, हमारा पड़ोसी राज्य, एक समय था जब बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही प्रदेश थे, सीटें बराबर धारा पता तो हमारी राजधानी नागपुर को, लेकिन उसके बाद बिहार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जुड़ गया। लेकिन हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, उसके नाम से अभी भी नागपुर के रवि भवन माँ है। एक समय था जब ये हमारे छत्तीसगढ़ जो रायपुर डिवीजन है वो पूरा भोसले राज के ही अधीन आता था, अंग्रेजों से अधीन। बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में आए और वहीं के रह गए। जो महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया है, खासकर राजनांदगांव जिला, हमारे दुर्ग जिला, दूर जिले से आता हूँ, रायपुर धमतरी, इस इलाके में बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग निवास करते हैं। रामदास जी ने जो कुछ कहा वो सब आप जानते हैं, लेकिन आज ये सरिया बनाने बने उसका कारण यही है कि केसरिया जो बांधा है वो समर्पण का, त्याग का सर्वोच्च प्रतीक है। और शिवाजी महाराज जब तक राज करते रहे पूरे राज को अपने गुरु के प्रति समर्पण के भाव से उन्होंने राज किया और इस कारण से उन्होंने ये केसरिया बांधा। जिसको देखो वही पहन लेते हैं, नेत्र त्याग और त्याग के प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। लेकिन आज देखने में आता है सब लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए वो बात होनी चाहिए। जो मराठा कहते हैं, एक बार मैंने एक प्रोफेसर से पूछा मराठा क्यों कहते हैं, उन्होंने कहा ये दो शब्द है जो जिसको जोड़ दिया गया। जब युद्ध में जाते थे तो नारा लगाते थे मर हटा, अब मर हटा से फिर वो दोनों शब्द जुड़ के मराठा हो गया, या तो मर जाओ या हटा, लेकिन पीठ दिखाकर नहीं आना है। युद्ध के मैदान से तो जो पीठ न दिखाए युद्ध के मैदान में वही मराठा कहा। तलवार वाले की जमानत है नहीं, लड़ाई उस प्रकार की लड़ाई नहीं है। आज तो पेपर आदि की लड़ाई है और हम लोग कोई सैनिक नहीं है, लेकिन वो भाव हमारे मन में होना चाहिए। जो चुनौती हमारे सामने है उसके उससे हमको डटकर मुकाबला करना है, उससे पीठ पीछे हमको उसे पीठ पीछे हमको नहीं दिखाना है। मैं समझता हूँ कि शिवाजी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हर व्यक्ति शिवाजी जैसे आत्मविश्वास मन में लेके चले जाओ और पूरे आत्मविश्वास से भर कर जो खुद के सामने जो चुनौती है, परिवार के सामने जो चुनौती है, समाज के सामने, देश और दुनिया के सामने जो चुनौती है, उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि ये शिवाजी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं
उन्हें प्रणाम करते हुए नमन करते हुए आप सब ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि शिवाजी महाराज के सामने अपना सिर झुकाऊं, नमन करूं, श्रद्धांजलि अर्पित करूं। जो आपने अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।